स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और जबलपुर में संत कालीचरण के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज हुआ है और जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया। रायपुर धर्म संसद में गांधी जी के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा ने परिवाद दायर किया। 26 दिसंबर को रावण भाटा मैदान रायपुर में ये धर्म संसद आयोजित हुई थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। धर्म विशेष के खिलाफ दंगों के लिए तैयार रहने की भी बात कही गई थी और परिवाद में संत कालीचरण के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। आने वाले दिनों में परिवाद पर सुनवाई होगी। तो जबलपुर से इस पीछे बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया है और ये पूरा मामला सामने आया। रायपुर धर्म संसद में गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था और इसको लेकर के अलग ही सवाल भी उठे थे और जांच प्रक्रियाएं अब आगे बढ़ी। लेकिन संत कालीचरण के खिलाफ मध्य प्रदेश में मुकदमा जो दर्ज हुआ जिला अदालत में, यह परिवाद दायर हुआ है। रायपुर धर्म संसद में गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा ने ये दायर किया है और 26 दिसंबर को रावण भाटा मैदान में ये धर्म संसद की गई थी। तो ये स्पीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जिला अदालत में परिवाद दायर हुआ है। रायपुर धर्म संसद में गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था और उन्हीं अपशब्दों के चलते यहां पर एक्शन लिया जाता है, आप कदम उठाए जाते हैं और कार्रवाई की जाती है। तो धर्म संसद होती है रायपुर में और उसके बाद से ही सवाल उठते हैं। लेकिन जबलपुर से स्पीच जानकारी, जहां पर कालीचरण के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिला अदालत में ये परिवाद दायर हुआ है। राजेश विश्वकर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या अभी तक जानकारी है, मध्य प्रदेश में भी मामला दर्ज हुआ है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए आपको बता दें कि संत कालीचरण महाराज के खिलाफ एक और परिवाद जो है जबलपुर के जिला अदालत में दायर हुआ है। क्योंकि पहले जो अधिवक्ता हैं श्रीकांत विश्वकर्मा, जिनकी तरफ से परिवाद दायर किया गया, उनकी तरफ से 3 जनवरी को जबलपुर के ओमती थाने में शिकायत पूरे मामले को लेकर दी गई थी, लेकिन FIR इस पूरे मामले पर नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण आज ली है। जिला अदालत में ये पूरा मामला परिवाद दायर किया गया है और मांग जो है वो कहीं ना कहीं आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग है। 26 दिसंबर का ये पूरा मामला है जब रायपुर के रावण भाटा मैदान में धर्म संसद का आयोजन हुआ था और जिसमें जो संत कालीचरण महाराज है उनकी तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, एक साथ ही एक धर्म विशेष के लिए भी भड़काने की बात कहीं ना कहीं की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कई मामले जगह जगह दर्ज हुए और अब मध्य प्रदेश में भी जो है जबलपुर जिला अदालत में परिवाद जो है वो अधिवक्ता के द्वारा दायर किया गया है। क्योंकि उनकी मांग है कि उनकी जो शिकायत FIR दर्ज कराने की थी उस पर मामला वहां दर्ज नहीं हुआ उनकी थाने में, इसलिए ये परिवाद जो है वो जिला अदालत में दायर किया गया है। आपराधिक मामला फिलहाल ये परिवाद जो है दायर किया गया है। बहुत शुक्रिया राजेश विश्वकर्मा इस पर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।